आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लाई बिटवीन 10^-7 टू 10^-4 सेंटीमीटर, 10^-9 टू 10^-11 सेंटीमीटर एंड सो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है। अब हमें जो आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर में हमारा 10^-9 मीटर होता है, ठीक है, और 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, हमें सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10^-9 में हमारे कितने होंगे, 10^2 इंटू 10^-9 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10^-7 है। अगर हम 10^3 होगा ना, ये 10^3, तो 1 नैनोमीटर में हमारे 10^-9 मीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, नहीं पहले यहाँ पर ये लिखेंगे, 1 नैनोमीटर में हमारे 10^-9 ये होता है, तो 10^3 नैनोमीटर में हमारे कितने मीटर होंगे, 10^-9 इंटू 10^3 मीटर होता है, यहाँ से हमको 10^-6 मीटर हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें सेंटीमीटर की, तो 1 मीटर में हमारे 10^2 सेंटीमीटर होता है, तो 10^-6 मीटर में 10^2 इंटू 10^-6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 10^-4 हो जाएगा, तो 10^-7 से 10^-4 हमारा कौन सा है, सो दिस इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।